कड़ाके की ठंड को देखते हुए समाज सेवी एवं भाजपा के अनुसूचित जनजाति के नेता ललन पासवान ने इन दिनों काफी गरीबों पर मेहरबान दिख रहे हैं। बताते चले कि बीते 3-4 दिनों से लगातार अपने आवास स्थित लोधना क्षेत्र संख्या 10 के कई मोहल्ले के लोगों को लगातार ठंड को देखते हुए कंबल वितरण कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि हमारे दरवाजा से कोई भी गरीब गुरबा को इस ठंड में दिक्कत ना हो और वह स्वयं आकर कंबल ले जा सकते हैं। मौके पर उपस्थित ललन पासवान, शिव पासवान, जाकिर हुसैन, अनिल पासवान, सुनील भट्ट, अनुज पासवान, दीपक पासवान एवं कई लोग उपस्थित थे। ललन जी, क्या कुछ देखा जा रहा कई दिनों से आप गरीबों के बीच में कंबल वितरण कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे गरीबों के लिए? हम लोग लगातार आज तीसरा दिन कंबल वितरण कार्य कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में वार्ड नंबर 47 में क्षेत्र में हर मोहल्ले में गरीब गुरबा असहाय लोग है और ऐसे हम लोग कड़ाके के ठंडी में जो लोग के पास व्यवस्था नहीं है, पैसा नहीं रहने के कारण वो अपना गर्म कपड़ा की व्यवस्था नहीं कर पाता है। हम लोग लगातार तीसरा दिन आज कंबल बांटे हैं और इसको बांटे 2 दिन और लगातार बांटेंगे इसको। लोधना श्रमिक लान, आपका टीचर कॉलोनी, बच्चू धौड़ा, शिव मंदिर धौड़ा, आपका लोधना बाजार, आपका घमंडी चाला, आपका डायमंड तीसरा, आपका कुजामा, ये तमाम लोगों से लोग जगह से हर लोग आया और यहाँ से कंबल लेने का काम किया है। मेरा प्रयास है कि हर मोहल्ले में जाकर भी मैं उन लोग तक कंबल पहुँचाए ताकि उनको ठंड से राहत मिले। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम ललन पासवान, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का सदस्य। 400 कंबल वितरण किए हैं और इनका टारगेट है 1500 और बांटने का टारगेट है। और जब तक पूरे लोधना क्षेत्र के गरीब गुरुआ लोगों को लोधना हरी पट्टी हो, मस्जिद पट्टी हो, माला पट्टी हो, आपका श्रमिक कल्याण हो, कुजामा हो, गोलक डिगो, डिपू धौड़ा हो, कुमार बस्ती हो, छलछलिया हो, 12 नंबर हो, बालू गद्दा हो, जितने भी तमाम वार्ड नंबर 47 मोहल्ले हैं उतने में टारगेट है कि सभी लोगों को, गरीब गुरुआ को, अपंगों को, उनको कम्बल मिले। और इनका जिस तरह से बांटते आ रहे हैं और अगर का यही रहा तो हर साल इसी तरह गरीब गुरुआ को इस कड़ाके ठंड में कंबल वितरण करेंगे। अपना परिचय। मेरा नाम शिव पासवान है, जनता मजदूर संघ एरिया सचिव।